हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे किचन में। के लिए मालपुए की ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर के आई हूँ और डेसिकेटेड कोकोनट दिया है, जिससे ये बहुत ही रिच बने हैं। ट्रेडिशनल मालपुए की रेसिपी को अवश्य ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। से मैंने एक ग्राइंडिंग जार में 4 से 5 केले ले लिए थे, मैंने मीडियम साइज़ के 5 केले लिए हैं और उसे मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंडिंग जार में इसलिए हम ग्राइंड करेंगे कि जिसमें कि अच्छी तरह से एकदम लिक्विड हो जाए और अच्छी तरह से मैश हो जाए। आप चाहें तो फोर्क से भी मैश कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप मैंने इसमें सूजी दिया है और सूजी डाल के मैं इसे एकदम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी, जिसमें कि सूजी का भी पेस्ट बन जाए। एकदम पेस्ट बन गए तो मैंने इसमें 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा, लगभग 1/4 कप मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट मिलाया है। ताज़ा कोकोनट मत डालिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। तो इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ही पड़ते हैं, उसे डाल देंगे हम। और लगभग 1/2 कप से थोड़ा कम मैंने इसमें मैदा डाला है। कोकोनट मैंने 1/4 कप डाला है और मैदा मैंने 1/2 कप डाला है। तो इस तरह सभी को मिला के मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी और ग्राइंड कर लेने के बाद मैं इसमें गाढ़े किए हुए दूध से फिर से अच्छी तरह एक बार मिलाऊँगी। दोस्तों, आप एकदम फुल क्रीम दूध दीजिएगा, और अगर आपके पास फुल क्रीम नहीं है तो आप इवेपोरेटेड मिल्क ले लीजिएगा। और इसे मैं अच्छी तरह से मिलाऊंगी और दूध के सहायता से ही मैं अपने हिसाब से इसे पतला कर लूंगी दोस्तों। और अब मैं सबसे पहले चाशनी चढ़ा दूंगी, और चाशनी में मैंने लगभग 1/4 कप ही चीनी लिया था। 1/4 कप देखिए मैंने चीनी लिया है और थोड़ा सा और डाल दिया था, तो टोटल 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी आप लीजिएगा। और चीनी की हमें बस एक तार की चाशनी बनानी है। इसमें मैंने 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर डाल दिया है। कार्डमम पाउडर मैंने अपने मालपुए के घोल में भी डाला है 1 टीस्पून, और साथ में ही मैंने इसमें सौंफ भी डाला है। मैंने जितने भी थिकनेस रखनी है उसमें गाढ़े दूध के सहायता से अपने मालपुए के बैटर को घोल लिया है। थोड़ा इवेपोरेटेड मिल्क मिलाइएगा या गाढ़ा दूध मलाई वाला, उससे हम जो मालपुए बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इसलिए मैंने इसमें बाद में फुल क्रीम मिल्क को मलाई के साथ डाला है। मैं फिर से बतला दे रही हूँ, आप चाहें तो इसमें इवेपोरेटेड मिल्क भी डाल सकते हैं गाढ़ा किया हुआ, या फिर उसके जगह पर आप लगभग 1/2 कप खोआ भी ग्रेट करके डाल दीजिए, उससे भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और थोड़ा सा दूध मैंने और मिलाया क्योंकि मुझे ठीक लग रहे थे। और अब मैं सबों को अच्छी तरह से मिला के मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। आप चाहें तो घी में भी इसे फ्राई कीजिए, उससे भी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और देखिए, अब मैंने इसे ऑयल में डाल दिया। ऑयल हमें मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना, बहुत कम भी नहीं। और उसके बाद मैंने पहले एक डाला और फिर दोबारा डाल दूँगी। मैंने अपने पुए की साइज को मीडियम रखा है। और एकदम बिलीव मी फ्रेंड्स, एकदम बहुत ही टेस्टी कुरकुरे और बहुत ही सेफ सॉफ्ट बने थे। अंदर से एकदम गुई बने थे और बहुत ही अच्छा इसमें नारियल का फ्लेवर था। साथ में ही मैंने जो पके हुए केले डाले थे उसका फ्लेवर था। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर हेवी हो जाएगी। आप इसको डेकोरेट करने के लिए ही केवल चाहें तो आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। प्लीज़ इस तरह से मालपुए को आप ज़रूर बनाइए, एकदम ट्रेडिशनल इंडियन रेसिपी है फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। बेल ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरे आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आए तो भी डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा, जिसमें मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के लाइक और डिसलाइक मुझे मोटिवेट करते हैं दोस्तों, जिससे मैं कि नई रेसिपी घर में रखे हुए सामानों से बना के आप लोग के लिए लाती रहूँ। मैंने इस मालपुए में मैदे का प्रयोग किया है, आप चाहें तो उसके जगह आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी मालपुआ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और इसी तरह से मैं सारे मालपुए को तल तल के निकाल लूँगी और उसके बाद मैं चाशनी में से सोख करूँगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से सारे मालपुए को मैंने तल लिया है, और तल लेने के बाद मैं इसे हल्की चाशनी को हल्का गर्म करके मैं उसमें मालपुआ को डाल दूँगी दोस्तों। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बने थे। प्लीज़ आप लोग इस मालपुए को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बना करके अवश्य खिलाइए दोस्तों। देखिए, मेरे सभी मालपुआ तल के तैयार हो गए हैं, और अब मैंने इन्हें
अपने शुगर सिरप में अच्छी तरह से डिप कर दिया। शुगर सिरप को मैंने दोबारा थोड़ा सा गर्म कर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें सोक कर करके इसे मैं एक प्लेटर में निकालती जाऊँगी और बाकी के भी मालपुए को मैं इसी तरह से अपने शुगर सिरप में डिप करके निकालती जाऊँगी। दोस्तों बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस है और बहुत ही बनाने में आसान है। मुश्किल से 15 मिनट की रेसिपी है दोस्तों। फटाफट सभी चीज़ों को मैंने ग्राइंडर में घोला और तल लिया। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और इसी मेथड से बनाइए, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेंगे और बहुत तारीफ। मैंने अब अपने मालपुए को सर्व कर दिया है फ्रेंड्स, देखिए कितने डिलीशियस। आप लोग भी अपने घर में अवश्य इस मालपुए की रेसिपी को बनाइए दोस्तों। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिए। इस इंडियन मालपुए की रेसिपी के साथ मैं विदा लेती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।